بسم الله الرحمن الرحيم जो हर वक्त किस्मत का रोना रोते रहते हैं, जिनका मुकद्दर उनका साथ नहीं देता, जिनकी किस्मत सोई हुई है, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, अपना सोया मुकद्दर जगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे हर जगह कामयाबी मिले, मेरा हर काम खैर वाफियत से हो जाए, मुझे कहीं भी नाकामी का सामना ना करना पड़े, तो आप इस वजीफे को सिद्क दिल और यकीन के साथ कर लेना। इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। जब आप अमल शुरू करने लगें, तो अमल शुरू करने से पहले हस्ब तौफीक सदका व खैरात लाजमी करना, और अमल के खात्मा पर सदका व खैरात करना अमल के सरात में तेजी लाता है, रिजल्ट जल्दी जाहिर होते हैं, कामयाबी यकीनी मिलती है। अमल का तरीका ये है कि चांद के शुरू में जो पहली जुमेरात आए, बाद नमाज़े इशा किसी अलग कमरे, अलग जगह, अलग कोने में बैठ जाएं, जहां मुकम्मल तनहाई हो, कोई आपको परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, आप सुकून से अपने अमल को पढ़ सकें। अल्लाह पाक का मुबारक नाम या ज़ुल जलाली वाल इकराम 1100 बार अव्वल आखर 11 बार ही दुरूद शरीफ अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना शुरू कर दें। अमल ख़त्म हो जाने के बाद खुद पर दम कर लें और अल्लाह के हजूर दुआ मांग लें कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर मैदान में कामयाबी दे, मुझे हर जगह फतह नसीब हो, मेरी मुश्किलात, मेरे मसाइल, मेरी परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे, हर मामले में, हर मुश्किल में, हर मसले में मेरी किस्मत, मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब मेरा साथ दे। इस अमल को लगातार 9 दिन तक करना है। अमल ख़त्म हो जाने के बाद 1.25 किलो गोश्त लेकर इसी वीराने में डाल दीजिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, घर आकर गुसल कर लीजिएगा। एक तस्बीह रोजाना, अल्लाह पाक का यही मुबारक नाम या ज़ुल जलाली वाल इकराम अव्वल आखर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, चंद ही दिनों में आप अपने हालात को, अपनी तकदीर को, अपने मुकद्दर को, अपनी किस्मत को बदलता देखेंगे। वो काम जो नहीं हो रहे थे, वो मुश्किलात जो ख़त्म नहीं हो रही थी, वो मसाइल जो हल नहीं हो रहे थे, इंशाअल्लाह हल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, आप खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो हर वक्त किस्मत का रोना रोते रहते हैं, जिनका मुकद्दर उनका साथ नहीं देता, जिनकी किस्मत सोई हुई है, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो जाएं, उनकी मुश्किलात दूर हो जाएं, हर काम में कामयाबी मिले, हर जगह फतूहात नसीब हों। आपका ये वीडियो शेयर करना उनके मसाइल का हल हो सकता है, और ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन सकती है। जब आपको महसूस हो कि मेरे हालात बदलने लगे हैं, मुझे हर जगह कामयाबी मिलने लगी है, मेरे बिगड़े काम संवरने लगे हैं, मेरी मुश्किलात ख़त्म होने लगी हैं, तो आप 110 रुपये किसी भी फकीर, यतीम, मस्कीन, गरीब, बेवा जो भी मिले उसे दे देना, और अपने हक में दुआ की दरख्वास्त कर देना। अगर आप इसी तस्बीह को हमेशा अपने वर्द में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हर मामले में, हर मुश्किल में, हर काम में आपकी तकदीर आपका साथ देगी और आपके तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आप इस अमल को ज़रूर करें और फैज़ पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर मुनासिब समझें तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, आपकी मुश्किलात दूर नहीं हो रही, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा।
मेरी दुआ है कि खिलते फूलों की तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहें।